नेक्स्ट नाइन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत से। जानकारी दे दे कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मायावती जल्द ही चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद यूपी में चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। 6 अप्रैल को नगीना से अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। जानकारी दे दे कि इसी नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल कर चुके चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में मायावती की तारीफ की थी और अब जिस तरह से आकाश आनंद नगीना सीट से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे में कयासों का दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद भी अब मायावती की तरह चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि नगीना लोकसभा सीट से इस वक्त मौजूदा सांसद गिरीश जाटव बीएसपी से ही आते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें नगीना से टिकट ना देकर बुलंदशहर से टिकट दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट पर बीएसपी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। अगर बात आकाश आनंद की जाए तो बता दें कि अभी तक वे यूपी से बाहर पार्टी का संगठन का काम देखते थे, लेकिन पिछले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 4 राज्यों की कमान मायावती ने उनको सौंपी थी। इसके बाद मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब से ये चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में वे यूपी में सक्रिय रहेंगे। माना जा रहा है कि आकाश आनंद अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में अब जिस तरह से वे नगीना सीट से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, माना जा रहा है कि अब आकाश आनंद भी मायावती की तरह चंद्रशेखर आजाद को इस सीट पर अपना समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।